नमस्कार, JNI न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पानी भरी खाई में पलटी, महिलाओं और बच्चों सहित 25 लोग हुए घायल। शराब के नशे में ड्राइविंग कर रहे तेज रफ्तार की कहर से बाल बाल बचे पिकअप सवार 25 श्रद्धालुओं को शामली जिले में श्रद्धालुओं से भरी तेज रफ्तार पिकअप अचानक अनियंत्रित होकर नहर की पुलिया से टकरा कर पानी भरी खाई में पलट गई, जिसमें 25 लोग घायल हो गए और 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका चल रहा है इलाज। आइए देखते हैं कौशाम्बी से ब्यूरो चीफ संतोष कुमार यादव की रिपोर्ट। कुछ घायल लाए गए हैं, कहां से लाए गए हैं? असोसा थाने से 20 से 25 लोग जो है जिला अस्पताल मंझापुर लाए गए थे, जिसमें से 10-12 लोगों को चोट लगी हुई है, जिसमें से 5 लोगों को भर्ती किया गया है प्राथमिक उपचार करने के बाद जिला अस्पताल मंझापुर कौशाम्बी में, और लोगों का OPD कर दिया गया है। क्या हुआ है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग, किस लिए जा रहे थे? हम लोग जा रहे थे मैहर जा रहे थे, मुंडन था हमारे भांजी का, तो वही सब लोग जा रहे थे और रास्ते में ड्राइवर बोल रहे थे कि लाइट लग गई है, और तभी गाड़ी लड़ गई है, सब लोग बुरी तरह से चुटा गए हम लोग सब लोग। गाड़ी कहाँ चली गई? गाड़ी खंती के बाहर लट्ठे में लड़ी, पहले तो पुलिये में लड़ी, फिर पुलिया से फिर लट्ठे में, लट्ठे से फिर पीपल में, यानी कि बहुत तेज में थी, 3-4 करवटी खेलत खेलत के फिर खड़ी हो गई है जाके। नहर में गई? हाँ, खाई थी उसी में टिक गई है जाके। पानी भूल गए थे? पानी भी था, नाली बनी थी तो उसी में कुछ बच गए, नहीं तो बिल्कुल दबा लेती पानी में, तो और दिक्कत ही थी। नाम बता दो मेरा, दिनेश जी।